नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है दूसरे लेक्चर में हमारे। और ये जो सेकंड लेक्चर होने वाला है इसमें हम चर्चा करेंगे, और आप एक बात के लिए निश्चिंत रहिए कि आराम से आप पेपर्स वन क्वालिफाई कर लेंगे। बहुत शानदार तरीके से आप परफॉर्म करने वाले हैं, इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। धाराओं को लेकर के एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं कि धारा को लेकर के ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। याद रखना, हर एक्ट की धारा दो में परिभाषाएं दी गई। जितने भी एक्ट आप पढ़ेंगे उसकी धारा दो में, ये जी हाँ, सेक्शन टू में डेफिनेशंस दी गई हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, तो जहां भी डेफिनेशन वाली बात आए आप जरूर धारा दो का उल्लेख करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर चार नंबर में पूछा हुआ है 2018 में, घरेलू हिंसा की परिभाषा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दुरुपयोग यानी अब्यूसेस को क्या करिए, एक्सप्लेन करिए। देखिए यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, ये अब्यूज के लिए जो सही शब्द है वो दुरुपयोग नहीं है, अब्यूज के लिए सही शब्द उत्पीड़न है। मैंने कुछ लोकल किताबों में देखा तो यहाँ दुरुपयोग का मतलब कुछ और समझकर कुछ और ही आंसर लिखा हुआ है, ये बच्चों को दिग्भ्रमित करने वाली बात है। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर दुरुपयोग का मतलब उत्पीड़न से है, यहाँ दुरुपयोग का मतलब घरेलू हिंसा अधिनियम का दुरुपयोग नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। धारा दो में इसकी परिभाषा दी गई हुई है कि किस किस प्रकार के उत्पीड़न हो सकते हैं, तो कौन कौन से अब्यूसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि घरेलू हिंसा के अंदर एक महिला के साथ में फिजिकल अब्यूज हो सकता है, यानी शारीरिक उत्पीड़न हो सकता है, शारीरिक उत्पीड़न। तो फिजिकल अब्यूज के अंदर क्या है, शारीरिक उत्पीड़न के अंदर क्या है, तो ध्यान सुनेंगे। यदि किसी महिला के विरुद्ध कोई ऐसा कृत्य किया गया जो उसको शारीरिक रूप से चोट या हानि पहुंचाता है तो इसे हम शारीरिक उत्पीड़न कहेंगे, और इसकी परिभाषा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा दो में दी गई है। तो ध्यान से सुना आपने कि फिजिकल अब्यूज क्या है, यदि किसी महिला के साथ में कोई भी ऐसा कृत्य किया जाता है जो उसको शारीरिक रूप से हानि पहुंचाए या शारीरिक रूप से उसको नुकसान पहुंचाए तो इसे हम शारीरिक अब्यूज यानी शारीरिक उत्पीड़न फिजिकल अब्यूज के अंतर्गत लेंगे। ये सबसे पहला अब्यूज हो जाएगा किसके अंदर, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत। दूसरी यदि हम बात करें, विभिन्न प्रकार के दुरुपयोग इसने पूछा है, तो दूसरी यदि हम लोग बात करें तो आप बताएंगे कि इसी की धारा दो में मेंटल अब्यूज दिया हुआ है, मेंटल एंड इमोशनल अब्यूज, इसको हिंदी में कहते हैं मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न। क्या मतलब इसका, मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न, यदि किसी महिला के साथ कोई ऐसा कृत्य किया जाए जिसे उसे भावनात्मक रूप से या मानसिक रूप से कोई चोट पहुंचती है, अर्थात उसकी गरिमा के ऊपर यदि किसी भी प्रकार से प्रहार होता है, स्त्री की गरिमा के ऊपर यदि किसी भी प्रकार से प्रहार होता है तो वो क्या कहलाएगा, मेंटल और इमोशनल अब्यूज कहलाएगा। और इसकी भी परिभाषा किसमें दी हुई है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा दो में। तो याद रखेंगे, भावनात्मक रूप से या मानसिक रूप से प्रताड़ित करना जिससे स्त्री की गरिमा को नुकसान पहुंचे या उसे मानसिक रूप से कोई आघात पहुंचे उसे हम क्या कहेंगे, मेंटल एंड इमोशनल अब्यूज कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, एक हो गया फिजिकल अब्यूज शारीरिक उत्पीड़न, दूसरा हो गया मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न यानी इमोशनल एंड मेंटल अब्यूज, और तीसरे नंबर पर आर्थिक उत्पीड़न। कई बार देखा जाता है कि घरों में महिलाओं के साथ आर्थिक उत्पीड़न यानी इकोनॉमिक अब्यूज होता है, जहां उनकी मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं उनसे भी उनको वंचित कर दिया जाता है। तो हर स्त्री हर पुरुष की यदि आप देखें तो आर्थिक रूप से कुछ नीड्स होंगी उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो जो बेसिक नीड्स हैं एक महिला की उससे उसको वंचित कर दिया जाता है, क्योंकि वो डिपेंडेंट है अपने ससुराल के ऊपर, तो क्योंकि वो डिपेंडेंट है हर चीज के लिए, यानी पैसे के लिए भी वो डिपेंडेंट है अपने ससुराल के ऊपर, तो उसे आर्थिक संसाधनों से विमुक्त किया जाता है, यानी आर्थिक संसाधन इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो उस महिला के लिए आवश्यक हैं, जो उसकी रोजमर्रा की जीवन के लिए आवश्यक हैं, उन्हें उससे छीन लिया जाता है, ये क्या कहलाएगा, आर्थिक उत्पीड़न कहलाएगा। तो व्हाट इज इकोनॉमिक अब्यूज, इकोनॉमिक अब्यूज इज एनी एक्ट डन इन विच द वुमेन इज डिप्राइव्ड ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज इज नोन एज व्हाट, इकोनॉमिक अब्यूज। और ये तीनों की परिभाषा, फिजिकल अब्यूज हो गया, मेंटल इमोशनल अब्यूज हो गया, इकोनॉमिक अब्यूज हो गया, इसकी परिभाषा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा
दो में वर्णित है। ठीक है, तो आप आराम से लिख पाएंगे, कोई ऐसी चीज नहीं जो आप नहीं लिख सकते हैं, ये सब एकदम सामान्य चीजें हैं जिसको आप आराम से लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको गाइडेंस की जरूरत है, और इसलिए संग्राम सीरीज आपके लिए लाई गई है ताकि जो कठिन चीजें हैं उसको आपके लिए आसान बनाया जा सके। देखिए अब सीधी सी बात है बेटा, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण के लिए कुछ संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए गए होंगे, और संरक्षण अधिकारी आप सोचिए भाई हर जिले में घरेलू हिंसा अधिनियम लागू होगा, तो हर जिले में क्या नियुक्त किए जाएंगे, संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। और ये जो संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स नियुक्त किए जाएंगे, इनको नियुक्त किया जाएगा 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाएगा। जैसे हम लोग ने जब मानवाधिकार अधिनियम पढ़ा था, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो उसमें याद रखेंगे कि वहां पर था कि भाई 3 वर्ष या 70 वर्ष। यदि मैं उनके टेन्योर की बात करूं, जो मैंने आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पढ़ाया था इसके पहले वाले लेक्चर में, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 3 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले हो जाए, यानी 3 साल उसके टेन्योर कंप्लीट हो जाए या वो 70 वर्ष का हो जाए, जो पहले हो जाए तो उसके अंदर उसका कार्यकाल कंप्लीट माना जाता है। पहले ये 2019 में 5 वर्ष तक था, 2019 में इसका अमेंडमेंट किया गया, उसको 3 वर्ष या 70 वर्ष किया गया है, ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यहाँ संरक्षण अधिकारी की मैं बात करूं, प्रोटेक्शन ऑफिसर की बात करूं, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति 3 वर्षों के लिए की जाती है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति 3 वर्षों के लिए की जाती है। करता कौन है इसको, राज्य सरकार इनको नियुक्त करती है, और मोस्ट प्रोबेबली ये क्या होनी चाहिए, एक महिला होनी चाहिए, क्योंकि घरेलू हिंसा अधिनियम से महिलाएं पीड़ित होकर के आएंगी, तो संरक्षण अधिकारी भी अमूमन जनरली एक महिला को होना चाहिए। अब इसके इसके कार्य क्या क्या होंगे, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, इसके कार्य क्या क्या होंगे, इसके कार्य होंगे कि स्वयं घटना की जांच करना, तो संरक्षण अधिकारी स्वयं घटना की जांच करेगा घरेलू हिंसा अधिनियम से संबंधित, वो घटना स्थल पर भी जा सकता है, सारी रिपोर्ट्स वो कलेक्ट कर सकता है, ये पावर उसको दी गई है। वहीं जब घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला उसके पास आती है तो उसको सबसे पहले चिकित्सीय सहायता दिलाना, मेडिकल हेल्प हो सकता है, उस महिला को चिकित्सीय सहायता की जरूरत पड़े, मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़े। दूसरी बात, हो सकता है उस महिला को पुलिस की आवश्यकता पड़े, पुलिस सहायता, तो तत्काल प्रभाव से उसको पुलिस सहायता दिलवाना। और सीधी सी बात है, यदि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत कोई चार्जेस फ्रेम करे जाएंगे तो पुलिस में FIR होगी और उस हिसाब से फिर काम होगा, इसलिए पुलिस सहायता दिलाना। साथ ही यदि हम देखें तो संविधान में आर्टिकल 39A के बारे में कहा गया फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता, तो याद रखेंगे कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत जो भी महिला पीड़ित है उसको फ्री लीगल एड के तहत निशुल्क कानूनी सहायता या निशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी, और ये इंश्योर करने का काम कि उसको कानूनी सहायता मिले, चिकित्सीय सहायता मिले और पुलिस सहायता मिले, ये इंश्योर करने का काम किसका है, संरक्षण अधिकारी का है। ठीक है, साथ ही आप देखेंगे कि कई बार घरेलू हिंसा की घटनाओं में महिलाओं को घर से बाहर निकल दिया जाता है, जिनमें न मायके साथ देता है न ससुराल साथ देता है, तो ऐसी घटनाओं के अंदर उन महिलाओं के लिए संरक्षण गृह का भी इंतजाम करना, यानी प्रोटेक्शन होम का भी इंतजाम करना, एनजीओस वगैरह के संपर्क से, जो संगठन इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके संपर्क से उसके लिए संरक्षण गृह का भी इंतजाम करना, ये संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो संरक्षण अधिकारी के ये सारे कर्तव्य आपको ध्यान रखने। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि संरक्षण अधिकारी पूछा हुआ है तो दोबारा इसको रिपीट करेगा, लेकिन एक चीज देखिए आप, कि मैंने आपको अलग अलग दुरुपयोग बताया, यानी अलग अलग अब्यूसेस बताए, अलग अलग उत्पीड़न बताए, ये भी बताया कि घरेलू हिंसा की धारा 2 में ये वर्णित है, तो 2 के अंदर कोई भी परिभाषा यदि आपसे पूछे तो आप बताएंगे। मान लीजिए आपसे पूछता है कि घरेलू हिंसा की परिभाषा के अंदर व्यथित व्यक्ति, एग्रीव्ड पर्सन, तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि व्यथित व्यक्ति की मतलब जिसके साथ में घरेलू हिंसा की घटना हुई है, तो आप क्या कहेंगे, द एग्रीव्ड पर्सन, द डेफिनेशन ऑफ एग्रीव्ड पर्सन इज गिवन इन द सेक्शन 2 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इन विच द एग्रीव्ड पर्सन इज द पर्सन ऑन विच द डोमेस्टिक वायलेंस हैज बीन हैपेंड और हु हैज गॉन थ्रू फिजिकल, इमोशनल और इकोनॉमिक अब्यूज। व्यथित व्यक्ति की परिभाषा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 2 में वर्णित है, जिसके अनुसार वह व्यक्ति व्यथित व्यक्ति होता है जिसके साथ में घरेलू हिंसा हुई है, अर्थात
या तो उसके साथ शारीरिक उत्पीड़न हुआ है, या तो मानसिक या भावनात्मक, या तो उसके साथ आर्थिक उत्पीड़न हुआ है। तो आराम से आप एक चीजों से दूसरी चीज को कनेक्ट करके लिख सकते हैं बेटा। अब मैंने कहा संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य यहां पर आपसे चार नंबर में पूछा हुआ है, जरूरी नहीं है कि दोबारा संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य पूछे, हो सकता है कि संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार ने की है तो राज्य सरकार के कर्तव्य पूछे। तो स्टेट गवर्नमेंट का कर्तव्य क्या है, सबसे पहला सर संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार करती है, तो संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति करना, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति करना कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। तो याद रखेंगे राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वह संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति करेगी, विल अपॉइंट द प्रोटेक्शन ऑफिसर फॉर 3 ईयर्स, ठीक है, हर जिले में इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक। नंबर दो पर यदि हम देखें तो घरेलू हिंसा संबंधी प्रावधानों का अपने राज्य में बेहतर क्रियान्वयन करवाना सुनिश्चित करना, यानी टू एंश्योर द प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन देयर स्टेट, और इसलिए उन्होंने संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति भी की। तीसरा, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को राज्य महिला आयोग, स्टेट वुमेन कमीशन, या आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय महिला आयोग, नेशनल वुमेन कमीशन की सहायता उपलब्ध कराना, ठीक है। और एक और आप लिख सकते हैं कि घरेलू हिंसा अधिनियम से के संबंधित प्रावधानों के लिए विभिन्न मंत्रालयों जैसे महिला और बाल विकास मंत्रालय आदि का विभिन्न एजेंसियों के साथ, जो भी बेटा एजेंसी काम कर रही है डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए, उनका महिला और बाल विकास विभाग या महिला बाल विकास मंत्रालय जैसे मंत्रालयों के साथ में विभिन्न एजेंसियों का समन्वय एवं समायोजन कराना, ठीक है। तो establish a cooperation and establish a cordial relation between the different ministries and the agencies working in the direction of domestic violence, ठीक है। दूसरा कि to provide help regarding the state women commission or the central women commission as needed to the aggrieved person, व्यथित व्यक्ति को घरेलू हिंसा के अंतर। तीसरा आपने क्या कहा कि to properly implement the laws related to domestic violence act and to appoint संरक्षण अधिकारी यानी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट फॉर 3 ईयर्स। और याद रखिए यदि राज्य सरकार में यह नियुक्ति हो रही है तो राज्य सरकार में नियुक्ति किसके हस्ताक्षर से होगी, राज्यपाल के हस्ताक्षर से होगी, यानी संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति गवर्नर करते हैं राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, राज्य सरकार के प्रमुख के रूप में। तो डोमेस्टिक वायलेंस से आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको घबराना नहीं है, परिभाषा पूछ सकता है, राज्य सरकार के कर्तव्य पूछ सकता है, केंद्र सरकार के कर्तव्य पूछ सकता है, राज्य महिला आयोग और केंद्रीय महिला आयोग के बीच में समन्वय होगा, अलग अलग मंत्रालय एजेंसियों के बीच में समन्वय होगा, ये सारे मिल करके घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने का काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए घरेलू हिंसा के बाद में दूसरा नंबर आता है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, और इसी के संबंध में यदि हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे बेटा तो पढ़ेंगे सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट के संबंध में, हम लोग पढ़ेंगे एससी एसटी एक्ट को जो आया था 1989 में। तो मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा, यहां पर ये दोनों एक्ट अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि मैं संविधान के आर्टिकल 17 की बात करूं तो आप सबको पता है आर्टिकल 17 छुआछूत या अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। इस छुआछूत के अंत के अंदर या एंड ऑफ अनटचेबिलिटी के अंदर यदि आप देखें तो
तो इसी के परिपालन में लागू किया गया सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955। यानी जहां पर आर्टिकल 17 का अधिकार छुआछूत को खत्म करता है, जहां पर अस्पृश्यता समाज में खत्म हो जाती है, वहीं से व्यक्ति के सिविल अधिकार निकल करके आते हैं। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 17 के परिपालन में ही सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया गया, और सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर लागू किया गया एससी एसटी एक्ट को। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, 17 के परिपालन में सीआरपीए और सीआरपीए के परिपालन में एससी एसटी एक्ट 1989। इसलिए सिंपली यदि आपसे डेफिनेशन पूछता है यहां पर कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत सिविल अधिकार की क्या परिभाषा है, तो याद रखेंगे सिविल अधिकार की परिभाषा धारा 2 में दी गई है। इस चीज को हमेशा याद रखेंगे बेटा, धारा 2 सेक्शन 2 में दी गई है। और सिविल राइट्स का मतलब क्या है यहां पर, सिविल राइट्स का सीधा सीधा सा मतलब है कि ऐसे अधिकार जो अनुच्छेद 17 के मूल अधिकार अर्थात अस्पृश्यता के अंत एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी के पश्चात प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं, सिविल अधिकार कहलाते हैं या सिविल राइट्स कहलाते हैं। ठीक, ऐसे अधिकार दैट राइट्स है ना, विच अ पर्सन गेट्स आफ्टर द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी विच इज द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 17 इज नोन एज व्हाट, सिविल राइट्स, गिवन अंडर द सेक्शन 2 ऑफ सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955। दूसरी बात यहां पर आप समझिए होटल की क्या परिभाषा दी गई है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें धारा 2 में इसमें दी गई हैं, होटल की परिभाषा है, स्थान की परिभाषा है, प्लेस की परिभाषा है, लोक पूजा स्थान, लोक मनोरंजन स्थान, यानी किसी भी प्रकार के स्थान पर यदि किसी भी प्रकार की छुआछूत की घटना होती है तो उसका निषेध किया गया है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत। तो ध्यान से लिखेंगे या देखने का प्रयास करेंगे यहां पर कि मैंने कहा कि आर्टिकल 17 छुआछूत के अंत या अस्पृश्यता के अंत एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी के अंदर ही सीआरपीए यानी सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट को क्या किया गया है यहां पर, लागू किया गया है। और उसी परिप्रेक्ष्य में आप इसको समझने का प्रयास करेंगे कि सिविल अधिकार वे अधिकार हैं जो अनुच्छेद 17 के तहत हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, दूसरी बात होटल की परिभाषा, तो होटल ऐसा कोई भी स्थान हो सकता है जहां पर रहने की, जहां पर खाने की, यानी कोई भी जलपान गृह हो सकता है, कोई भी रेस्टोरेंट हो सकता है, ये जो होटल की परिभाषा के अंतर आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे धारा 2 में इन दोनों की परिभाषा दी हुई है। इसके अंदर लोक पूजा स्थान भी पूछ सकता है, पब्लिक वर्शिप प्लेस, लोक मनोरंजन स्थान जैसे मेला वगैरह हो गया, लोक पूजा स्थान में मंदिर वगैरह हो गया। तो आप सभी को पता ही होगा कि मंदिर में किसी भी जाति के व्यक्ति को जाने से रोका नहीं जा सकता, जबकि पहले ऐसा होता था। छत्तीसगढ़ में आपने पढ़ा भी होगा कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जो अछूत थे, जो हरिजन थे, उनको मंदिर में एंट्री दिलाई थी। राजीव लोचन मंदिर में वो एंट्री दिलाना चाहते थे, पर क्यों धर्म के ठेकेदार खड़े हो गए कि हम इनको अंदर नहीं आने देंगे, तो फिर उन्होंने राम मंदिर में उनकी एंट्री कराई थी। और इसलिए गांधी जी ने, जब वो गांधी जी सेकेंड बार छत्तीसगढ़ आए थे अछूतोद्धार के लिए यानी अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए, तो उन्होंने पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु कहा था, अपना अग्रणी कहा था। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि होटल की परिभाषा, लोक मनोरंजन, लोक पूजा स्थान की परिभाषा आप लिख पाएंगे यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 4 प्रमुख उद्देश्य ये आपसे पूछ रहा है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 4 प्रमुख उद्देश्य, सीधी सीधी बात है, आपको एकदम बेसिक लिखना है यहां पर। सबसे पहले अनुच्छेद 17 का पालन करना या अनुच्छेद 17 के परिपालन में कार्यवाही, दूसरा सामाजिक भेदभाव समाप्त करना टू एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, तीसरा सामाजिक समानता लाने का प्रयास करना है ना, टू इंश्योर सोशल इक्वालिटी और सभी नागरिकों के सिविल अधिकारों की रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट द सिविल राइट्स ऑफ ऑल द सिटीजन इन इंडिया। देखिए कितना आसान है, जितना टफ समझते हैं आप उतना ही ज्यादा आसान है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना और भेदभाव समाप्त हुआ है ना सामाजिक समानता लाने का प्रयास करना किसके परिपालन में, अनुच्छेद 17 के परिपालन में, और सभी नागरिकों के सिविल अधिकारों की रक्षा करना। देखिए यहां पर आपसे कोई पीएचडी नहीं करवाना चाहता, ना आपको कोई वकील बनाना चाहता, पीएससी को यह पता है कि आप एक सामान्य स्टूडेंट है, आप अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बस आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब आप लोक सेवक बन करके जाएं तो आपसे किसी भी प्रकार का ऐसा कृत्य ना हो, और साथ ही साथ यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कृत्य होता है, भेदभाव होता है, तो वहां पर आप उसको संरक्षण दिला पाए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग, जैसे कि हमने देखा था कि आर्टिकल 17 के परिपालन में सीआरपीए, और सीआरपीए के बाद में हमको दिखाई देगा क्या एससी एसटी एक्ट। तो अगला एक्ट है हमारा एससी एसटी एक्ट जो आया था 1989 में, तो यह आगे बढ़ता है। आर्टिकल 17 से आगे बढ़ेंगे तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम पर पहुंचेंगे, और उस सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम से आगे बढ़ेंगे तो आप एससी एसटी एक्ट पर पहुंचेंगे, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। तो ध्यान से देखेंगे एससी एसटी एक्ट, सबसे पहले यहां पर पांचवीं अनुसूची के बारे में दिया गया। तो ये तो संविधान का क्वेश्चन है, इससे रिलेट इसलिए किया गया है क्योंकि पांचवी अनुसूची में फिफ्थ शेड्यूल में राष्ट्रपति की शक्तियां दी गई हैं, प्रेसिडेंट की पावर्स दी गई हैं अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में, शेड्यूल्ड एरियाज। तो इसमें मैं हमेशा एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, यदि मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं और छत्तीसगढ़ में मैं नारायणपुर की बात करूं, तो नारायणपुर में एक जनजाति रहती है जिसका नाम है अबुझ माड़िया, आप सबने सुना होगा इसका नाम। तो अबुझ माड़िया तो जनजाति है, लेकिन अबुझ माड़िया जिस क्षेत्र में रहती है उसको कहते हैं जनजातीय क्षेत्र या शेड्यूल्ड एरियाज। तो याद रखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, द पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज लाइज विद द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति को अधिकार है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का। इसलिए आप देखेंगे कि अनुसूचित जाति जनजातियों को, अनुसूचित जनजातियों को राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है, राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। ठीक है, तो यहां पर आप पांचवी अनुसूची, यदि छठवी अनुसूची पूछता है आपसे, तो आप याद रखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, है ना, यानी जो अनुसूचित क्षेत्र है उनका प्रशासन, लेकिन कौन कौन से, आसाम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, AMTM। ठीक है, आसाम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, आप इसको माता करके भी याद कर सकते हैं, मेघालय मतलब AMTM, कहने का मतलब या इसको ATMM के रूप में आप याद कर सकते हैं, ATMM है ना, ATM से आप याद कर सकते हैं, आसाम त्रिपुरा मेघालय और मिजोरम, कुछ भी हो याद हो जाना चाहिए, आसाम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, AMTM या ATMM याद रखेंगे। जो छठवीं अनुसूची है और पांचवी अनुसूची, ये शेड्यूल्ड एरियाज से संबंधित है, पांचवी अनुसूची में सारे शेड्यूल्ड एरियाज की बात की गई है, छठवीं अनुसूची में स्पेसिफिक बात की गई है किसकी, आसाम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम ATMM या AMTM के रूप में। क्लियर हुआ, चलिए अब देखेंगे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक बहिष्कार क्या है। तो सबसे पहली बात कि सर सामाजिक बहिष्कार यदि पूछा हुआ यानी इसकी परिभाषा पूछिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि सामाजिक बहिष्कार की परिभाषा अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम धारा 2 में वर्णित है। और क्या है धारा 2 में वर्णित क्या है, तो ध्यान से सुनेंगे, सामाजिक बहिष्कार यानी सामाजिक रीति रिवाजों से सोशल बायकॉट, तो बायकॉट फ्रॉम ऑल द सोशल एक्टिविटीज, यानी सामाजिक रीति रिवाजों से अलग कर देना या सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने से मना कर देना। यदि कोई शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब है और उसको किसी सामाजिक कार्यक्रम में सिर्फ इस लिहाज से कार्य करने के लिए मना कर दिया जाए कि वो अनुसूचित जाति या जनजाति से आता है, शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से आता है, तो याद रखिएगा कि इसके साथ माना जाएगा कि सामाजिक बहिष्कार हुआ है। एक और शब्द आता है इसी धारा 2 में, आर्थिक बहिष्कार जिसको हम कह सकते हैं इकोनॉमिक बॉयकॉट। तो याद रखेंगे आर्थिक बहिष्कार क्या है, यदि किसी शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के व्यक्ति के साथ में किसी भी प्रकार के आर्थिक संबंध न रखे जाएं, या किसी भी प्रकार से यदि कोई बिजनेस किया जाता है या व्यापार किया जाता है, वो इस बात पर बंद कर दिया जाएगा कि वो अनुसूचित जाति या जनजाति
से आता है तो आप देखेंगे कि वो कहलाएगा आर्थिक बहिष्कार। जैसे अभी कई बार हमको देखने को मिलता है कि एक पर्टिकुलर धर्म का कोई व्यक्ति है तो सामने वाला कहता है नहीं नहीं यार इस पर्टिकुलर धर्म के व्यक्ति, क्योंकि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा प्रभावित है, तो उसको लगता है नहीं नहीं यार ये जो पर्टिकुलर धर्म का व्यक्ति है तो ये तो खाने में बिल्कुल जो है गंदगी मचाएगा, तो इसके पास मुझे ना खाने जाना ना मुझे इससे कोई बिजनेस करना है। तो ये ऐसी ही कुछ सोच है वहां धर्म के लिए, यहाँ जाति के लिए है। तो सामाजिक बहिष्कार यानी सोशल बायकॉट, आर्थिक बहिष्कार यानी इकोनॉमिक बायकॉट, एक इसमें दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे ये दिया हुआ है सेक्शन 2 में धारा 2 में एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत 1989। क्लियर हुआ? अगली बात, अनुसूचित जाति और जनजाति निवारण अधिनियम की धारा 3 क्या है बताइए। देखिए ये जो धारा 3 के बारे में पूछा हुआ है ये तो यहां पर आपको 4 नंबर में पूछा हुआ है, एक बार और पूछा है 8 नंबर में। तो ये धारा 3 डायरेक्टली नहीं पूछा हुआ है 8 नंबर में, धारा 3 में क्या है वो आपसे 8 नंबर में पूछा हुआ था। देखेंगे धारा 3 में क्या है, एक बार 4 नंबर में पूछा हुआ और एक बार 8 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। एसटी एससी एक्ट की धारा 2 में तो परिभाषाएं हैं, धारा 3 में क्राइम ऑफ एट्रोसिटीज यानी अत्याचार के अपराध। तो एसटी एससी के अगेंस्ट अत्याचार के क्या क्या अपराध हैं ये आपको यहां पर धारा 3 में दिया हुआ है, क्राइम ऑफ एट्रोसिटीज जिनको हम कहते हैं, कि क्या क्या करने पर एक व्यक्ति के ऊपर एसटी एससी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। तो ये धारा 3 में दिया हुआ, यहां 4 नंबर में पूछा हुआ, यहां 8 नंबर में हम देखेंगे कि क्या क्या अत्याचार के अपराध हो सकते हैं। अब इसके लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आप अपने आस पास की चीजों को देखकर ही समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर देखिए सबसे पहली बात, यदि किसी भी एसटी या एससी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है क्योंकि वो अनुसूचित जाति या जनजाति से बिलोंग करता है तो ये अपराध माना जाए। दूसरी बात, आपने सुना ही होगा यदि एसटी या एससी व्यक्ति को कोई जातिगत गाली दे दे या जिसको हम कहते हैं कास्टिस्ट अब्यूज तो यह भी अत्याचार का अपराध माना जाएगा। एसटी या एससी व्यक्ति को कोई घृणित चीज खाने के लिए मजबूर कर दिया जाए या उसके मुख पे रख दिया जाए, तुम्हें ये गंदी चीज खानी पड़ेगी क्योंकि तुम अनुसूचित जाति या जनजाति से आते हो, ऐसी घृणित सोच के साथ यदि कार्य किया जाता है तो यह भी क्राइम ऑफ एट्रोसिटीज में आएगा। अब सोचिए इसके लिए आपको पढ़ने की जरूरत है क्या, आप थोड़ा सा सोचिए, एसटी एससी यदि कोई व्यक्ति है और उसे उसके कपड़े उतार दिए जाते हैं या उसे निर्वस्त्र कर दिया जाता है या उसे गधे पर या खच्चर पर बैठा कर घुमाया जाता है यानी उसका अपमान कर दिया जाता है, कई बार आप देखेंगे उसका मुंडन कर दिया जाता है, क्लीन शेव कर दिया जाता है या आधे बाल काट दिए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वह एससी या एसटी वर्ग से आता है, यह भी अपराध है अत्याचार का। राहुल गांधी जी अभी बीच में बुंदेलखंड के क्षेत्र में गए थे और उनको ये देखने को मिला कि कुछ महिलाएं उनके पास आती हैं और कहती हैं कि साहब हमारे गांव में हम लोग 4 परिवार हैं जो अनुसूचित जाति से आते हैं और आज भी हमको जो सो कॉल्ड अपर कास्ट लोग हैं, उच्च वर्णीय लोग हैं, वो गांव में महिलाओं को खासकर चप्पल पहनने से अलाउ नहीं करते। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि आज 21वीं सदी में भी हमको यह देखने को मिल रहा है कि जातिवाद के तहत 21वीं सदी में भी आप देखेंगे तो उनको चप्पल पहनने से अलाउ नहीं किया जाता। कहने का मतलब एसटी एससी एक्ट तो उनको तब पता होगा जब वो शिक्षित होंगे, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते थे शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो जब तक शिक्षा नहीं आएगी तब तक इस एक्ट के प्रावधान भी लोगों को पता नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस एक्ट का हमेशा सही उपयोग होता है, कई बार खासकर जमीन वाले मामलों में दुरुपयोग भी दिखाई देता है, लेकिन फिर भी ये एक्ट बहुत ज्यादा प्रभावी है जो निचले वर्ग तक अनुसूचित जाति और जनजाति को संरक्षण देने का काम करता है, उनको संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, यदि एसटी एसटी व्यक्ति है, ठीक है, तो इसके साथ यदि इसके घर पर या इसकी जमीन पर कोई घृणित पदार्थ फेंक देना या कोई पशु का शव फेंक देना यह भी इस अपराध के अंतर्गत आता है। यदि एसटी एससी व्यक्ति है और उसका भरी सभा में सामाजिक बहिष्कार कर देना
ये भी अपराध के अंतर्गत आता है। तो सामाजिक बहिष्कार अभी हमने देखा। फिर यदि एसटी एसटी व्यक्ति है उसके साथ यदि आर्थिक बहिष्कार किया जाए, यानी इकोनॉमिक बायकॉट कर दिया जाए, सिर्फ इसलिए कि अनुसूचित जाति या जनजाति से आता है, ये क्या कहलाएगा? अपराध कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक पॉइंट और बना सकते हैं। यदि एससी एसटी व्यक्ति है और यदि उसे शिक्षा से या पानी पीने से या पब्लिक प्लेसेस के उपयोग से यदि रोका जाए तो वो भी एट्रोसिटीज के अंतर्गत आएगा। आप दसवां पॉइंट लिख सकते हैं इसके अंदर, आप ये भी लिख सकते हैं कि उनके आने जाने के रास्ते पर प्रतिबंध लगा देना, उनके प्रवेश द्वार पर मलमूत्र फेंक देना, यदि उनकी बारात निकलती है तो दूल्हे को बारात से यानी घोड़ी से उतार देना, अपने घर के सामने से जूतों को सिर पर रख कर जाने के लिए मजबूर करना, ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी? क्राइम ऑफ एट्रोसिटीज। तो ये सब आप पेपरों में पढ़ते आए हैं, डेली आप सुनते रहे, बस आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि एसटी एससी एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे आप आराम से लिख सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया बेटा, एक बार 3 नंबर पूछा हुआ है और एक बार 8 नंबर पूछा हुआ है, आराम से 8 से 10 पॉइंट आप यहां पर बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। Thank you.